पाकिस्तान से बातचीत करें। अब खैर बड़े अनुभवी व्यक्ति है, मुख्यमंत्री रहे सूबे के, उनकी सलाह है, मगर मैं फारूक साहब को कहना चाहता हूं और आप सबको विशेष करना चाहता हूं, बात करनी है तो मैं मेरे घाटी के भाइयों और बहनों के साथ बात करूंगा, घाटी के युवाओं के साथ बात। मैं क्यों ना बात करूं आपसे? हम चाहते, बहन जी बैठ जाइए, बैठ जाइए, हम चाहते हैं कि हम आपके साथ बात करें। इसीलिए मैं जब युवाओं से बात कर रहा था, मैंने कहा था कि मैं घाटी के युवाओं के साथ दोस्ती करना चाहता हूं, मेरा हाथ मैंने घाटी के युवाओं के साथ दोस्ती का लंबा दिया है और मुझे भरोसा है कि हमारे नियत में कोई खोट नहीं, हमारे मन में कोई बुरा भाव नहीं है। घाटी का विकास, 24 जम्मू का विकास सिलेंडर पहुंचा दिया जाएगा। अब जम्मू कश्मीर के एक मात्र पाकीजा मकसद के साथ हर घर में उठाया गया है और मैं आपको कहता हूं कि 2024 के पहले कश्मीर को जो चाहिए था वो आपकी नजर के सामने। अगर अपने घर में बैठकर अपने जन्मदिन की तैयारी करनी है तो कोई रोक टोक नहीं। जब भी बात करते हैं अपने तो वो कहते हैं कर सकता है कि सारी योजनाएं ठीक से पहुंच रही या नहीं पहुंच। तो मैं और मनोज जी भी संयुक्त रूप से जब मिलते हैं नहीं जाते वो पूछते हैं जोर से बोले जाते सारी योजनाओं का लाभ। मनोज जी कल करवा चौथ भारत के बाकी राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर 24 घंटे कश्मीर की आवाम की सेवा में आज मैं आशा करता हूं। बात करूंगा मगर एक विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं, दिल में से खौफ निकाल दीजिए, डर निकाल दीजिए, कश्मीर की शांति और विकास की यात्रा को कोई खलल नहीं पहुंचा सकता। आप भारत सरकार पर भरोसा कर सकते हैं, हम पर भरोसा कर सकते हैं। और ये विकास यात्रा को खलल पहुंचाने वाले, उनका मकसद साफ नहीं, उनकी नीयत भी साफ नहीं है। मुझे कहते हैं 5 अगस्त के बाद कर्फ्यू क्यों लगाया, मिलाने का मौका मिल जाए प्लीज बैठ जाइए या तो कुछ और कुछ लोग इस और आ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, जिसके पास स्टैंड है बैठ जाए, जिनके पास स्टैंड नहीं मेरे नजदीक आ जाए, मिलाने का मौका मिल जाए। अरे बैठ जाओ यार, बैठ जाइए या तो कुछ लोग इस और आ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, जिसके पास स्टैंड है बैठ जाए। मंच पर उपस्थित, बैठ जाओ भैया बैठ जाओ, मंच पर उपस्थित श्रीमान मनोज सिन्हा जी, जिन्हें सच्ची लगन से जम्मू कश्मीर में बदलाव लाने का प्रयास किया है और मैं जरूर कहना चाहूंगा कि सफल प्रयास किया है, उनको बहुत बहुत सफलता मिली। मंत्रिपरिषद में मेरे साथी इसी सूबे के नेता डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और आज के कार्यक्रम की रूह जिसको कह सकते हैं, ऐसे घाटी में बसे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को मैं प्रणाम करता हूं। मैं आज यहां पर आया हूं 5 अगस्त 2019 को हमने एक फैसला किया था, वो फैसले के बाद पहली बार आया और मैं आपको बहुत भरोसे से कहना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू और कश्मीर और विशेषकर घाटी के अंदर विकास के नए युग की शुरुआत हुई है, इसकी अनुभूति तो आपको होती है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं 2024 तक आपको इसका अंजाम ही बहुत खूबसूरत देखने को मिलेगा। कश्मीर का चौमुखी विकास हो, यह मोदी जी की दिल की इच्छा है। विकास की बात करने ही मैं आया हूं, मगर मैं उसके पहले मेरे मन की बात भी थोड़ी कहना चाहता हूं। मुझे बहुत ताने सुनाए गए हैं, बहुत कोसा गया है, इंटरनेट क्यों बंद करा, कश्मीर के युवाओं को गुमराह करते हैं,
मैं आज इन सबको जवाब देना चाहता हूं। आप भी मेरे सामने बैठे हैं, ये कश्मीर की आवाम, कश्मीर की जनता इतना ही अधिकार रखती है जितना इस देश पर मेरा अधिकार है, उतना ही आपका अधिकार है। आप मुझे बताइए, 5 अगस्त के बाद इंटरनेट बंद न करते, अगर कर्फ्यू न लगाते, तो युवाओं की भावनाओं को भड़काकर जो स्थिति होती, इसमें कौन मरता? कौन मरता? कश्मीर का युवा मरता। हम नहीं चाहते थे कि कश्मीर के युवा पर किसी को गोली चलानी चाहिए, गोली चलानी पड़े। ये लोग समझे न समझे, ये 3 परिवारों ने यहां 70 साल तक शासन किया है, ये न समझे समझे, हम जरूर समझते हैं एक बूढ़े बाप पर युवा बेटे के जनाजे का बोझ कितना बड़ा होता है, ये हम समझते हैं। आपके शासन के अंदर 40,000 लोग घाटी के अंदर मारे गए। आज तक आतंकवाद और दहशतगर्दी की निंदा नहीं की है, बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, ये मारा गया ठीक नहीं हुआ, मगर मारा उसने ठीक किया क्या, वो नहीं कहते हैं। मैं आपके सामने साफ करने आया हूं, उनको मारने की इजाजत हम नहीं देंगे, उनको शांति में खलल नहीं पहुंचाने देंगे, और यहां पर जो अमन और चैन है वो बरकरार रहेगा। मित्रों, बहुत लोगों ने सवाल उठाए कि कर्फ्यू बंद है, इंटरनेट बंद है। बहुत लोगों ने सवाल उठाए कि धारा 370 जाने के बाद घाटी में कश्मीरियों की जमीन छीन ली जाएगी। ये सारे तहसील पंचायत के मेंबरान बैठे हैं, जिला पंचायत के मेंबरान बैठे हैं, सरपंच साहब बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं। आप अपने अपने गांव में जाइए और पूछिए, भैया कितनी जमीन चली गई, 2 साल हो गए, कितनी जमीन चली गई।